assalamu alaikum dear students this is lecture number 26 of the database management system course the course code is cs403 the particular segment or the phase of the course that we are discussing nowadays is sql the structured query language a class say a both interesting part has course because here you see the things practically happening so आप डाटा को प्रॉपरली क्रिएट कर रहे हैं उसको एक्सेस कर रहे हैं इट क्रिएट्स इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट सो आई होप कि आप इस फेज में इंटरेस्ट ले रहे हैं एंड अदर थिंग इज दिस फेज नीड्स मैक्सिमम प्रैक्टिस क्योंकि जब तक आप इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे यू विल नॉट बी क्लियर अबाउट द एसक्यूअर कमांड्स एंड देयर एंड एंड अनटिल यू आर नॉट क्लियर यू कैन नॉट यूज दैम प्रॉपरली सो आई विकमेंड दैट टेक अ वेरी गुड टाइम ऑन दिस सेशन और इसकी खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए इन द लेक्चर नंबर ट्वेंटी फाइव वी वर डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यू कमांड्स एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड द पर्टिकुलर डेटाबेस सिस्टम द पर्टिकुलर टेबल्स दैट विल बी यूजिंग ड्यूरिंग आवर एसक्यूएल प्रैक्टिस और इसमें हमने जो सिस्टम सेलेक्ट किया था वो था द एग्जाम सिस्टम ऑफ एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आज हम एसक्यूएल की कमांड्स के साथ प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आइए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स एज यू हैव डिस्कस बिफोर दैट देर आर थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द एसक्यूल कमांड्स द डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज द डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजिज एंड डी सी एल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज सो दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड दे आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज First of all, we are discussing the DDL, Data Definition Language. And as the name suggests, this part of the languages, the statements, the commands included in this part of the language, they are used to create different things. It uh, includes right from the database, tables, indexes, users, everything. सो इट डील्स बेसिकली विद द्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन द डाटा बेस उसमें जैसे मैंने आपसे कहा है कि इंडेक्स का स्ट्रक्चर हो गया टेबल्स का स्ट्रक्चर हो गया तो इसमें हम इससे रिलेटेड कमांड्स उनको स्टडी करेंगे और देखिए कि इसमें कमांड्स कौन कौन सी हैं इसमें है एक है क्रिएट कमांड एक है आल्टर कमांड और ड्राप कमांड Dear students, let me explain one thing over here. That if you see the format or the general structure of each of these commands in any book or manual or any online book, uh, online help, you will see that. It is very complex. And if we try to discuss each of these commands as a whole, considering all different options, it will become very difficult for you to understand all the command at the same time at one time. Is ke Uh, मैंने कमांड्स uh, को मुख्तफ हिस्सों में मुख्तफ पार्ट्स में आपको एक्सप्लेन किया है और उनकी एग्जाम्पल्स दी हैं वेन यू विल बी फेमिलियर विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कमांड दैन इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड द कमांड एज अ होल तो ये आप देखेंगे कि मिसाल के तौर पर इससे क्रिएट कमांड है क्रिएट कमांड मुख्तफ चीज़ें क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है तो अगर हम उस पूरे को देखें उसके सिंडेक्स को देखें तो उसमें तमाम ऑप्शन शामिल होंगी लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसी तरीके से इफ यू सी द अल्टर कमांड इट इज यूज टू मेक चेंजेस इन सो मैनी डिफरेंट थिंग्स एंड सो मैनी डिफरेंट चेंजेस तो अगर उन सबको देखें इकट्ठा तो अल्टर कमांड बिकम्स कॉम्प्लेक्स तो इसीलिए मैंने हर कमांड का आपको स्टेप्स में एक्सप्लेन किया है और उसमें यह है कि जू जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उनको जब कंबाइन करेंगे तो आपको मदद मिलेगी कि आप पूरी कमांड के फंक्शनिंग को और उसके वर्किंग को अंडरस्टैंड कर सकें तो आइए स्टार्ट करते हैं create command. Just like this is used to create different types of objects in a database, different things in a database. Or there a logical thing that in order to process something, in order to use something, first of all you have to create that thing. You have to define the structure of that thing and create command is used for that purposes. But the create command is used to create different types of things. It is used to create डेटा बेस जैसे कि हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि डाटा बेस इज ए लॉजिकल कलेक्शन ऑफ इज ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा तो इसमें एक डाटा बेस के अंदर डिफरेंट चीजें होंगी उसमें यूजर्स भी हैं टेबल्स भी हैं डेस्स भी हैं तो सबसे पहले आप डाटा बेस डिफाइन करेंगे उसको क्रिएट करेंगे फिर उसमें जो मुख्त चीज़ें शामिल हैं उनको आप डिफाइन करेंगे जो कि और उनको जॉइंटली आप वो नाम देंगे कि जो आपने उस डाटा बेस का नाम दिया है लेट्स वट इज द फॉर्मेट ऑफ दिस स्टेटमेंट वो है क्रिएट डाटा बेस और फिर डाटा बेस नेम जैसा कि हम फॉर्मेट के रूल्स पढ़ पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें जो चीज़ें कैपिटल में लिखी हुई हैं यू हैव टू गिव दैम एज सच इन द सेम ऑर्डर और जो लोअर केस में है यू हैव यू हैव टू गिव बाई योर सेल्फ आपने उनको ख़ुद से डिफाइन करना है उनका नाम देना है मिसाल के तौर पर अगर हम ये देखें कि क्रिएट डाटा बेस एग्जाम अब ये एक कमांड देट वी कैन जूज प्रैक्टिकली तो इसमें अगर आप देखें कि वेन वी हैव इशूड द कमांड प्रैक्टिकली वी हैव नॉट टेकन केयर ऑफ द केस कि वो अपर केस में या लोअर केस में या मिक्स में क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था कि एस क्यू एल जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है तो इसलिए हम आप देख रहे हैं कि जब हमने कमांड दी है तो उसमें हमने ये नहीं कहा कि जैसे फॉर्मेट में सब अपर केस में लिखा हुआ था तो वही चीज़ हम वैसे लिखे नहीं वो हमने वैसे लिख दी है और अलबत् एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे जो फॉर्मेट में जो चीज़ लिखी हुई है डाटा बेस नेम यहाँ पे उसकी जगह हमने लिखा हुआ है एग्जाम इसका मतलब यह है कि एग्जाम इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ योर डाटा बेस और ये ज़रूरी हरगिज हरगेज नहीं है कि आप इसका नाम एग्जाम ही रखें मिसाल के तौर पे आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं आप इसका नाम एग्ज़ाम सिस्टम रख दें एग्जामिनेशन रख दें या एग्जाम सिस्टम ऑफ ए बी सी इंस्टिट्यूट रख दें वट एवर मैंने आपसे एक दफा ही कहा था कि नाम जो है वो रिफ्लेक्टिव होना चाहिए द पर्पज ऑफ द थिंग नाचे अगर जैसे मैं मिसाल के तौर पे इसी सिस्टम का नाम जिसमें कि हम एग्जाम्स के बारे में डेटाबेस बना रहे हैं उसका नाम इवन इफ वी नेम इट एज से एडमिशन और लाइब्रेरी और प्रोडक्शन और सेल्स डीबीएमएस वॉन्ट ऑब्जेक्ट बट इट विल बी ए बैड प्रैक्टिस दिस इज रिकमेंडेड कि आप जो मीनिंगफुल नेम्स हैं उनको इस्तेमाल कीजिए वन यू हैव क्रिएटेड द डाटा बेसिस अब उसके बाद यह है कि आप उसके अंदर जो है डिफरेंट टेबल्स क्रिएट करेंगे जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि तकरीबन हर जो डी बी एम एस है उसने आप की सहूलत के लिए या अपनी फंक्शनैलिटी में डिफरेंट ऑप्शन देने के लिए दो अप्रोचेज रखी हुई हैं चीज़ों को क्रिएट करने के लिए आप एक एक टूल आपके पास दिया होगा जिसमें आप ग्राफिकली आप उसमें कमांड देंगे डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड थिंग्स विल बी डन ऑटोमेटिकली और दूसरी बात यह है कि आप एक्सप्लिसिटली खुद से एसक्यूल की कमांड्स को इस्तेमाल करें ऑब्वियसली इजियर तो यह है कि आप टूल का इस्तेमाल करें लेकिन एज ए डाटा प्रोफेशनल आपको जो अंडरलाइंग एसक्यूल कमांड्स हैं वो भी आनी चाहिए मिसाल के तौर पर अगर हम अपने टूल एसक्यूअल सर्वर की एग्जाम्पल लें तो इसमें हमारे पास दो इसके आ, इसके कंपोनेंट्स हैं पार्ट्स हैं एक है हमारे पास एंटरप्राइज मैनेजर और एक है क्यूरी एनालाइजर तो आप इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए डाटाबेस को भी क्रिएट कर सकते हैं और टेबल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं और बाकी ऑब्जेक्ट्स जो हम क्रिएट करेंगे उनको भी क्रिएट कर सकते हैं एंड कीप इन माइंड के एंटरप्राइज मैनेजर को इस्तेमाल करते हुए इट इज मच ईजियर क्योंकि वो आपको ग्राफिकली डिफरेंट ऑप्शन देगा डिफरेंट मेन्यूज होंगे उनमें ऑप्शन होंगी आप उनको सेलेक्ट करेंगे और वो क्रिएट होता चला जाएगा जबकि इसके बरस आपको एसक्यूएल के अंदर अगर आप यूजिंग द एस टू गिव द प्रॉपर कमांड उसमें आपको उसके सेंटेक्स का उसकी रिक्वायरमेंट्स का सबका ख्याल रखना पड़ेगा क्रिएट टेबल कमांड इज यूज टू क्रिएट ए टेबल डिफाइन एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल विद डाटा टाइप्स

इसमें आपको चीज़ें जो है ना जब फॉर्मेट को हम देखते हैं थोड़ी सी कम्पलेक्स नजर आती हैं लेकिन अगर आप इसको आराम से सुकून से देखें तो ये इतना कम्प्लेक्स नहीं है ये बहुत आसान है समझना मिसाल के तौर पर इसमें अगर आप देखें तो क्रिएट टेबल इट हैज बिन रिटर्न इन कैपिटल लेटर इसका मतलब यही है कि ये तो आपको एज सच इसी ऑर्डर में देना है ओके उसके बाद अगर आप आगे देखिए तो हमारे पास है स्क्वेयर ब्रैकेट्स एंड स्क्र ब्रैकेट्स दे डिनोट द ऑप्शनल थिंगस यानी अगर आप चाहें अगर जरूरत है तो दें लेकिन अगर आप उनको अवॉइड करें तो अवॉइड भी हो सकती है मिसाल के तौर पे, इसमें जो टेबल नेम देने का एक अप्रोप्रिएट फॉर्मेट जो सीक्वल सर्व में रिकमेंडेड है वो ये है कि सबसे पहले आप डाटा बेस का नाम दें डाटा बेस का नाम जैसा कि अभी हमने एग्जाम नाम दिया है अपने डाटा का तो ये हो जाएगा एग्जाम उसके बाद यह है कि आपने जो ओनर है ओनर से हमारा है कि इस डेटाबेस का या जो ये टेबल क्रिएट करने जा रहा है उसके ओनर का तो इसमें आप देखिए कि डेटाबेस का नाम डॉट ओनर तो आपने यानी या ये दोनों देने हैं या दूसरी ऑप्शन ये है कि आप सिर्फ अब उसमें अगर आप देखें तो उसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ आपके पास ये हो रहा है कि ओनर का नाम जो है वो यानी डाटाबेस का नाम जो है वो ऑप्शनल है उसमें उसमें क्या होगा क्या आप देंगे कि डाटा डॉट ओनर और फिर यह ऑप्शन इन दोनों में से आपको एक चीज देंगे कि डेटाबेस का नाम और टेबल का नाम या डेटाबेस का नाम ओनर का नाम और टेबल का नाम दोबारा यानी आपके पास यहां पे दो ऑप्शंस हैं क्या आप डेटाबेस का नाम दें और डॉट टेबल का नाम दे दें एक ऑप्शन है दूसरी ऑप्शन क्या है डेटाबेस का नाम दें डॉट ओनर का नाम दें डॉट टेबल का नाम दें लेकिन वेन यू आर यूजिंग वेन यू आर वर्किंग इन द सेम डेटाबेस इन इन वन डेटाबेस बेस उस केस में क्या होता है एंड यू आर द ओनर जो कि उस डेटाबेस बेस के हैं पर टेबल क्रिएट कर रहे हैं उस केस में आप चाहें तो डेटाबेस का नाम छोड़ दें और ओनर का नाम भी छोड़ दें तो बाय डिफॉल्ट जिस डेटाबेस में आप काम कर रहे हैं और यू एज अ ओनर यू विल बी कंसिडर्ड तो उसमें आप जस्ट टेबल का नाम दे दीजिए देखें जो तो टेबल का नाम है दैट हैज बिन शोन एज कंपल्सरी हियर एज तो टेबल का नाम तो आपको लाजमी तौर पर देना होगा लेकिन डाटाबेस का नाम और ओनर का नाम दीज आर ऑप्शनल अगर जरूरत हो तो दे दें जरूरत ना हो तो बेशक ना दें आपको यह बात याद होगी कि आई टोल्ड यू वन इंस्टेंस ऑफ द सीक्वल सर्वर इट कैन मैनेज इट कैन कंट्रोल डिफरेंट डाटा बेस मिसाल के तौर पर जैसे अभी आपने एक एग्जाम का डाटाबेस क्रिएट किया है इसके अलावा हो सकता है कि इसी इंस्टेंस ऑफ द सीक सर्वर इट कंटेन्स लाइब्रेरी सिस्टम द एडमिशन सिस्टम इसी तरह हो सकता है किसी और इदारे का किसी और ऑर्गेनाइजेशन का हमारे पास पे रोल भी है सेल्स भी है परचेज भी है तो जो ये कॉन्सेप्ट है कि डाटा बेस नेम इसका पर्पस क्या है इसका पर्पस ये है कि अगर आप जिस वक्त आप एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं उस वक्त आपका जो करंट डाटा बेस है वो कौन सा है ये हो सकता है कि इस वक्त आप जिस डाटा बेस को यूज कर रहे हैं वो तो कोई और है लेकिन जिसमें क्रिएट कर रहे हैं टेबल जिसमें क्रिएट करना चाहते हैं वो कोई और है जाहिर है कि उसमें आपको परमिशंस या अथोराइजेशन तो चाहिए होगी लेकिन इस वक्त हम इस चीज को फिलहाल थोड़ा छोड़ देते हैं और मैं इसको सिंपल करने के लिए आपसे यही कहता हूं कि डाटा और ओनर का नाम तब चाहिए होगा कि अगर आप किसी और डाटा को इस वक्त यूज कर रहे हैं लेकिन क्रिएट टेबल करना चाहते हैं किसी और डाटा में इसी तरह वहां पर आप एज ए डिफरेंट ओनर के तौर पर क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन चूंकि हम इनिशियली uh, एक सिंपल इन्वायरमेंट में काम करेंगे उसकी बात करेंगे तो चुनाची आप सिर्फ इतना याद रखें कि आपने कहना है क्रिएट टेबल और टेबल नेम बैट सेट यानी आप इसमें फिलहाल जो डेटाबेस का नाम है ओनर का नाम है इसको फिलहाल आप इग्नोर कर दीजिए और बाइंड इट यहाँ पे जो टेबल नेम है दिस इज नॉट शोन एज ऑप्शनल दिस इज बीइंग शोन एज रिक्वायर्ड आइए आगे चलते हैं इस सब तो देखिए कि इसके बाद हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट प्रांतिसिस स्टार्ट हुई है हमारी और इस पर आपने कहा कि फिर कर्लीस में कॉलम डेफिनेशन और कॉलम डेफिनेशन जो है इसको हम कहते हैं एंगल ब्रैकेट से शेवरेंस तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा इससे क्या मुराद है लेकिन एक ऑप्शन हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जो लेफ्ट हमारे पास पैरथिस है इसका मतलब है कि ये रिक्वायर्ड है ये आपने देनी है फिर हमारे पास कर्ली ब्रेसिस आ गई कर्ली ब्रेसिस में जो चीज़ें हैं उनमें से डिफरेंट ऑप्शन हैं आपने उनमें से कोई एक देनी है तो क्या है या तो आप देंगे कॉलम डेफिनेशन एक ऑप्शन है या देंगे कॉलम नेम एज कंप्यूटेड कॉलम एक्सप्रेशन ये देंगे और या देंगे टेबल कॉन्सट्रेंट तो इन तीनों में से आपको एक चीज देंगे इसके अलावा या फिर यह है कि आपने इसमें प्राइमरी की या यूनिक देना है और फिर कॉमा और डॉडन से मराद यह कि दिस थिंग कैन रिपीट कि ये आपका आगे आगे जा सकता है यदि आप देखें कि जो आपके पास ये जो कर्ली ब्रेसिस है कर्ली ब्रेसिस से मराद ये है कि आपने इनमें से कोई एक चीज़ देनी है उसके बाद ऑप्शन ये है कि आप प्राइमरी की या यूनिक ऐड कर सकते हैं और फिर आखिर में जो लिखा हुआ है ऑप्शनल इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसका मतलब है कि दिस थिंग कैन रिपीट अब यह है कि हमने जो एंगल ब्रैकेट्स में यह शेवरंस में जो लिखा हुआ था इससे क्या मुराद है इससे मुराद यह कि जो चीज अगर किसी जगह इस तरह एंगल ब्रैकेट में लिखी हुई है इसका मतलब यह है कि दिस थिंग विल बी एक्सप्लेंड लेटर और द एक्सप्लेशन फॉलोज मिसाल के तौर पर वहां पर जो कॉलम डेफिनेशन है वो आपके पास लिखी हुई थी शेवरस में इससे मुराद ये है आप इसको यूं डिफाइन करेंगे कि कॉलम नेम देंगे जैसे यहां पे लिखा हुआ है स्पेस डाटा टाइप ठीक है और उसके बाद आपने यहां पे कहना है वो जो ऑप्शन है वो है कि डिफॉल्ट डिफॉल्ट का मतलब ये है कि इस एट्रीब्यूट की इस कॉलम की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या है एंड माइंडेड दिस हैज बिन शोन एज ऑप्शनल इसी तरह से आपके पास फर्दर डिफॉल्ट के बाद आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप कॉलम कॉन्स्टेंट दें यानी यहां पे आपने जो भी कॉलम या एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं उसके ऊपर आप कोई कॉन्स्टेंट अप्लाई कर दे तो ये उसकी एग्जाम्पल है इसी तरह एक और चीज कि जैसे हमने जो कॉलम कॉन्स्टेंट है वो भी आपके पास एंगल ब्रैकेट्स में था तो उसका क्या मतलब है उसका मतलब ये है कि आप लिखेंगे कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट नेम एंड माइंडेड दिस हैज बीन शोन एज ऑप्शनल यानी आपने जो कॉन्स्टेंट का लफ्स लिखना है और अगर लिखेंगे तो एज सच लिखेंगे यही स्पेलिंग यही लोकेशन और फिर लोअर केस में लिखा हुआ है कॉन्स्टेंट नेम यहां पे कॉन्स्टेंट को आप एक नाम दे देंगे उसके बाद आगे जो कि कर्ली ब्रेसिस में है इससे मेरा यह है कि यहां पर जो चीजें हैं उनमें से आपको कोई एक चीज देनी होगी अब उसमें क्या है पहले है नल नॉट नल दिस इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्स्टेंट कि आप किसी एट्रीब्यूट के बारे में अगर बाय डिफॉल्ट तो होता है नल नल अलाउड होती है अनलेस इट इज द प्राइमरी की या बाज मरतबा ऐसा भी होता है कि यू वॉन्ट सम एट्रीब्यूट टू बी

यानी किसी एट्रीब्यूट को आप एज प्राइमरी की डिक्लेयर करना चाहते हैं या वो प्राइमरी की अगर नहीं भी है स्टिल यू वॉन्टेड टू बी यूनिक तो इस तरह से ये आप डिक्लेयर कर सकते हैं इसमें जो अगली ऑप्शन है वो फॉरन की की है यू वॉन्ट टू डिक्लेयर सम एट्रीब्यूट एज फॉरन की इसमें देखें कि फॉरन की का जो ये फ्रेज है जो ये दो वर्ड्स हैं फॉरन की लिखना दे आर ऑप्शनल चाहें तो लिखें चाहें तो मत लिखें लेकिन साथ ही अगर आप किसी को फॉरन की डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उस केस में रेफरेंसेस का फ्रेज आपको लाजमी तौर पे देना पड़ेगा ताकि जो इसकी होम टेबल है वो और जो वहां पे एट्रीब्यूट है उसको आपने डिक्लेयर करना होगा बताना होगा तो इसलिए यहां लिखा हुआ है रेफरेंसेस uh, और रेफरेंस टेबल अब आगे जो रेफरेंस कॉलम है अगेन दैट हैज बिन डिक्लेयर एज ऑप्शनल इसकी लॉजिक यह है कि अगर आपके पास फॉरेन की का जो नाम है और जो प्राइमरी जो उसकी होम टेबल में प्राइमरी की है इफ दे हैव गॉट द सेम नेम उस केस में फिर आपको यहां पे एक्सप्लिसिटली कॉलम का नाम देने की ज़रूरत नहीं है तो जस्ट आप टेबल का नाम ही दे दें तो वो से लिंक जो इस्टेब्लिश हो जाएगा अगेन बहरहाल ये चूँकि कंपलसरी नहीं है कि फॉरन की का और प्राइमरी की का नाम सेम हो इसलिए ऑप्शन है कि इफ़ दे आर डिफरेंट और इवन इफ दे आर सेम स्टिल यू कैन गिव द नेम ऐसा नहीं है कि अगर नाम सेम हो तो अगर आप वहाँ पे रेफरेंस कॉलम का नाम दे देंगे तो वो गलत हो जाएगा ये आपको अच्छी तरह क्लियर होंगे जब हम इसकी एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे इसके अलावा हमारे पास वेन वी डिक्लेयर दी तो हमारे पास दो ऑप्शन कि कैस्केड और नो एक्शन इससे क्या मुराद है वेन वी आर डिस्कसिंग द रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट उस वक्त मैंने आपसे ये कहा था कि इससे वेरी मेजर टूल टू मेनटेन टू इंप्लीमेंट दी कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा बेस में जो आपस में क्रॉस रेफरेंसेज हो रहे हैं दे आर वैलिड दे आर करेक्ट तो फॉरन की के जरिए वी आर इम्प्लीमेंटिंग द रेफरेंशियल इंटाग्रिटी कंस्ट्रेंट अब सवाल ये पैदा होता है कि फर्ज करें कि हमारे पास एक टेबल है और उसकी प्राइमरी की इज़ बीग यूज एज द फॉरन की इन अनदर टेबल सवाल ये पैदा होता है कि आप फर्ज करें जो आपका मेन टेबल है जिसको रेफरेंस हो रहा है जिसको बाज के मास्टर टेबल भी कहा जाता है तो अगर यहाँ पर इसकी प्राइमरी की को अगर डिलीट किया जा रहा है या अपडेट किया जा रहा है तो वर्ड शुड डी बी एम एस टू तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन होती हैं मिसाल के तौर पर एक ये है कि जैसे यहां पर लिखा हुआ कैस्केड। कैस्केड से मुराद यह है कि अगर आप मेन जो आपका टेबल जिसमें प्राइमरी की है उसमें अगर उस उस प्राइमरी को डिलीट करते हैं डिलीट प्राइमरी की को तो ऐसा शायद नहीं किया जाता बल्कि आप ये करते हैं कि वो जो पूरा रिकॉर्ड डिलीट करेंगे जब वो रिकॉर्ड डिलीट करेंगे बिकॉज दिस इज अ प्राइमरी की तो दिस वैल्यू एग्जिस्ट जस्ट वंस द थिंग इज दिस वैल्यू इज बीइंग रेफरेंस्ड इन अदर टेबल या यादर टेबल्स में रेफर हो सकती है तो उस केस में डीबीएम को क्या करना चाहिए कैसकेट का मतलब ये है कि यू मूव यू कंटिन्यू दिस चेंज अप टू नेक्स्ट टेबल्स यानी अगर आप यहाँ पे आपका जो टेबल है वहां पे अगर वो रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है तो वो तमाम रोज के जिन रोज के अंदर ये की रेफर हो रही है एज फॉरन की उन तमाम रोज को भी डिलीट कर दें सी दिस अ सीरियस थिंग क्योंकि एक तो ये है कि हो सकता है कि जो ये रिकॉर्ड है वो पता नहीं कितने रिकॉर्ड में रेफर हो रहा हो और दूसरी बात है कि नेक्स्ट लेवल पे सेकेंड लेवल पे जो आपके रिकॉर्ड डिलीट हो रहे हैं

और उसकी प्राइमरी की अगर किसी और रिकॉर्ड में किसी और टेबल में एज वारन की इस्तेमाल हो रही है तो उस टेबल के उन तमाम रिकॉर्ड्स को भी डिलीट कर दें जिनमें कि ये की इस्तेमाल हो रही है दिस इज कॉल्ड कैसकेड द सेकेंड ऑप्शन हियर इज नो एक्शन इट मीन्स कि इफ देर इज ए सिंगल रिकॉर्ड दैट इज रेफरिंग द प्राइमरी की ऑफ द रिकॉर्ड बींग डिलीटेड then दिस डिलीशन ऑपरेशन विल बी disallowed। जब तक के आपके पास किसी रेफरेंसिंग टेबल के अंदर जिसमें फॉरन की डिक्लेयर्ड है वहां पर एक भी रिकॉर्ड ऐसा है कि जो इस रिकॉर्ड को जिसको आप डिलीट करने जा रहे हैं इसकी प्राइमरी को रेफर कर रहा है आप ये डिलीट नहीं कर सकेंगे डी बी एम एस विल जनरेट एन एरर और इसको कैंसिल कर दिया जाएगा और यही सूरत हाल ऑन अपडेट है वहां पर भी दो यही दो ऑप्शन है कैशकेट और नो एक्शन यानी या तो जो चेंज आप एक लेवल पर करेंगे

देखिए अगर आप इसको रियलाइज करें तो ये कितनी बड़ी असिस्टेंस है कितनी बड़ी हेल्प है फ्रॉम द डीबीएमएस और फ्रॉम योर इवन द डाटा मॉडल द रिलेशनल डाटा मॉडल कि आपकी जो डाटा की इंटैग्रिटी है जो उसकी कंसिस्टेंसी है उसको ये मेंटेन रखता है ताकि अगर फर्ज करें एज ए डिवेलपर यू फॉरगेट समथिंग डी बी एम एस विल मेक इट श्योर कि आप इस तरह की जो बेसिक मिस्टेक है वो ना करें तो इस तरीके से आप फ़ौरन की के जो इंटैग्रिटी uh, है उसको मेंटेन कर सकते हैं इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है चेक की चेक से मुराद है कि आप किसी भी एट्रीब्यूट के ऊपर किसी कॉलम के ऊपर कोई कॉन्सट्रेंट कोई चेक लगाना चाहते हैं तो यहाँ अपने प्रांथिसिस के अंदर आप वो एक्सप्रेशन देंगे कि आपने इस एट्रीब्यूट पे क्या चेक लगाना है और इसकी एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे अब अगर एक दफ़ा तमाम इस जो इस एंगल ब्रैकेट्स में जो कॉलम कॉन्स्टेंट है इसको अगर आप एक दफ़ा देखें तो आप समझ जाएंगे कि हमारे पास जो कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्ट्रेंट नेम है ये ऑप्शनल है यानी हम उसको दें या ना दें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसका इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि अगर हम ये नाम इसको दें या नहीं दें इससे फर्क क्या पड़ता है लेकिन बाकी अगर इसमें आप देखें तो हमारे पास मुख्तुप ऑप्शन हैं कि नल नॉट नल या तो ये दें या दें प्राइमरी की यूनिक में से कोई एक या फॉरन की और आखिर में चेक और माइंडेड इससे ये मुराद नहीं है कि आप इनमें से सिर्फ एक ही दे सकते हैं आप इनमें से कोई से दो तीन भी आपस में मिलाकर दे सकते हैं जैसा कि हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे आइए आगे, आगे चलते हैं दिस इज अ वेरी सिंपल एंड बेसिक कमांड फॉर क्रिएटिंग ए टेबल यहां पर आप देख सकते हैं कि क्रिएट टेबल कमांड यहां पर मैंने इसको कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है बट अगेन माई आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन कि दिस इज नॉट रिक्वायर्ड आप इसको लोअर केस में लिखें मिक्स में लिखें इट मेक एनी डिफरेंस प्रोग्राम हमने जो टेबल का नाम दिया हुआ है इसको अगर आप देखें तो ये जो हमारा टेबल का नाम है ये प्रोग्राम है और हमारे एग्जाम सिस्टम के रेफरेंस से अगर आप देखें इसका यूटिलिटी या इसका पर्पज़ है इस टेबल का कि वी स्टोर द नेम्स और द डिटेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स दैट आर बींग ऑफर्ड इन आवर इंस्टीट्यूट तो ये तो इस टेबल का पर्पज़ है और जो हमने इसमें एट्रीब्यूट डिफाइन किए हुए हैं वो अगर आप देखें तो सिंपल इसमें आप देखें कि जैसे हमने क्रिएट टेबल के सिंटेक्स में देखा था कि कॉलम नेम या एट्रीब्यूट नेम और साथ में उसकी डेटा टाइप और आप देखें कि फिलहाल वी हैव नॉट इंक्लूडेड एनी कॉन्स्टेंट इन इट सो इट इज वेरी सिंपल अब इसमें था पहले है प्रोग्राम नेम नेम और स्पेस चाहे उसमें आप एक स्पेस दें दो तीन चार दें सब टू यू इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन कम से कम आप एक स्पेस देंगे आगे है कैरेक्टर फोर डियर स्टूडेंट्स यहां पे अगेन नोट ऑफ क्वेश्चन कि आपने जो डाटा टाइप एसोसिएट करनी है किसी एट्रीब्यूट के साथ अगेन यू हैव टू कंसिडर व्हाट सॉर्ट ऑफ वैल्यू एन एट्रीब्यूट विल कंटेन यानी उसमें किस तरह की वैल्यू आएंगी एक बात लेंथ कितनी होगी दूसरी बात एंड बोथ दिस थिंग्स नॉट फॉर टू डे बट फॉर सम फ्यूचर टाइम एज वेल पिछले आइंदा चार पांच सालों में उसकी जो लेंथ हो सकती है बिकॉज टर्स uh, जो आपने लेंथ फिक्स कर दी डर से जैसे इस केस में वी एफ सेट के प्रोग्राम नेम इज ऑफ फोर कैरेक्टर्स इसमें चार करेक्टर्स आ सकते हैं तो अगर फाइव सिक्स और सेवन करेक्टर दिस एट्रीब्यूट विल नॉट बी एबल टू स्टोर मोर देन फोर कैरेक्टर्स तो इसलिए आपको जो है वो थोड़ा मोहताजना पड़ेगा रिकमेंडेड यह है कि जो भी लेंथ वहां पर जनरली अस्यूम की जाती है उससे अगर आप चाहें तो एक या दो करेक्टर्स एक्स्ट्रा दे दें ताकि आप किसी एक्सेप्शन को भी हैंडल कर सके बट इफ़ यू आर हंड्रेड परसेंट श्योर इफ़ यू आर गिवन द श्योरिटी कि ये इसकी लेंथ यही रहेगी तो आप उसको बाउंड भी कर सकते हैं पूरा उतना ही दे सकते हैं लेकिन जनरली हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि हम जितनी उसकी लेंथ नॉर्मली एक्सपेक्टेड होती है उससे कुछ एक्स्ट्रा हम दे देते हैं मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम नेम इन जनरल जो है वो तीन कैरेक्टर्स पर होते हैं तो हमने इसको चार पे कर दिया इसके अलावा अगर आप देखिए तो अगला एट्रीब्यूट है टोटल सेमेस्टर और इसकी हमने टाइप दी है टाइनी इंट बिकॉज वी नीड द स्मॉलेस्ट नंबर स्मालेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर टू स्टोर द टोटल नंबर ऑफ सेमेस्टर्स और अगर आप देखेंगे जितने प्रोग्राम हमारे ऑफर होते हैं नॉर्मल जो हमारे पास ख़ासतौर पर जो आई टी के इंस्टीट्यूट हैं उनका ड्यूरेशन जो है अगर वो सेमेस्टर्स को देखें तो वो चार होते हैं आठ होते हैं या मैक्सिमम किसी में दस बारह भी हो सकते हैं तो इसलिए इस पर कोई बहुत बड़ा नंबर हमें स्टोर नहीं करना तो आपको याद होगा टाइनी इंट की जो रेंज है वो जीरो से लेकर टू फिफ्टी फाइव तक है so कि प्रोग्राम क्रेडिट्स के एक प्रोग्राम में कितने क्रेडिट्स हैं तो अगेन इसके लिए टाइनी इंट भी एक लिहाज से काफी है आ, वो भी सही होता लेकिन यहां पर जो डिक्लेयर हुआ हुआ है वो स्मॉल इंट है ये वो कमांड है कि जिसके जरिए ए टेबल विल बी क्रिएटेड उसमें उसका नाम प्रोग्राम है और उसमें ये तीन एट्रीब्यूट हैं उनके ये नाम है उनकी ये टाइप्स हैं अब दोबारा मैं एक दफा आपको सीक्वेंस बता दूं कि किस तरीके से आपने सीक्वल सर्वर में काम करना है पहला स्टेप तो ये है कि आप उसको इंस्टॉल करेंगे ये पहला स्टेप हो गया दूसरा स्टेप ये है कि इसमें आपके पास एक होता है सर्वर सर्विस मैनेजर सर्विस मैनेजर के जरिए जनरली आप सीक्ल सर्वर के इंस्टेंस को रन करते हैं बाज केसेज़ में आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी रन कर देते हैं इससे ये होगा कि जू ही आप सिस्टम ऑन करेंगे तो जब आप लॉग इन होंगे जब सिस्टम आपका अप आप होगा तो सीक्वल सर्वर भी ऑटोमेटिकली रन कर जाएगा बट इफ़ यू हैव नॉट गिवन द ऑटोमेटिक ऑप्शन तो फिर आपको सर्विस मैनेजर के ज़रिए जनरली आप उसके एक इंस्टेंस को रन करते हैं आपने इंस्टॉल किया हुआ है आपने उसको सर्विस मैनेजर से रन कर ली ये दो चीज़ें हो गई अब उसके बाद आप ये करेंगे कि आप जो आपका क्यूरी एनालाइज़र है उसको रन करेंगे

उसके अंदर वो पूरी डिटेल होगी कि आपने ये तमाम स्टेप्स कैसे करने हैं और अदरवाइज भी आप अगर सिको सर्वर के जो ऑनलाइन हेल्प है उसमें भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टिप्स हैं कि जिसके जरिए आप ये अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि आपने कमांड्स एंटर कैसे करनी है तो ये कमांड है जिसके जरिए कि आपका एक टेबल क्रिएट हो गया है क्रिएट टेबल की जो कुछ और एग्जाम्पल विद डिफरेंट ऑप्शन वो आगे दी हुई हैं आगे देखते हैं इसमें देखें वी हैव क्रिएटेड अनदर टेबल स्टूडेंट इसमें निस्पता ज़्यादा एट्रीब्यूट हैं और इसमें देखिए कि फिर वही के तमाम वही इसमें जो एट्रीब्यूट नेम वो हैं स्टूडेंट आई डी स्टूडेंट नेम फादर नेम एड्रेस फोन प्रोग्राम नेम जिसमें वो अनरोल है करंट सेमेस्टर और सी जी पी ए और फिर आप इसका डिफरेंट डेटा टाइप्स देखिए कि इसमें लाइक फादर नेम की है कैरेक्टर ट्वेंटी फाइव और इसी तरह से जो करंट सेमेस्टर है उसको स्मॉल एंड कर दिया एंड लाइक दैट तो ये आपके पास एक और एग्जाम्पल है क्रिएट टेबल की और नेक्स्ट थिंग इज क्रिएट टेबल विद कॉन्स्टेंट और ये जहन में रखिएगा कि एक ऑप्शन तो ये है कि वन यू आर गोइंग टू क्रिएट ए टेबल आप उस टेबल का तमाम जो स्ट्रक्चर आपके सामने जाहरा है उसके बाद ये कि जब हमने फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन देखा था उस वक्त भी यह है कि हर टेबल के साथ कौन सी डेटा टाइप और उस पर कौन कौन से कॉन्स्टेंट जो हैं वो हमने इम्पोज करने हैं वो आप उसको लिख लीजिए लेकिन आ, ये ज़रूरी नहीं है कि यू मस्ट नो ऑल द कंस्टेंट ऑल द थिंग्स वाई क्रिएटिंग द टेबल फर्स्ट करें अगर आपसे कोई चीज़ मिस भी हो गई है या लेटर सम टाइम्स नीड अराइजेज के इसमें हमें ये चीज़ भी ऐड करनी थी इंक्लूड करनी थी तो आप तब भी कर सकते हैं इसलिए मतलब ज़ाहिर है कि रिकमेंडेड यही है कि आप जब टेबल क्रिएट करने से पहले तो उसकी तमाम स्ट्रक्चर है उसके जो एट्रीब्यूट हैं उनके टाइप्स के कॉन्स्टेंट सब के बारे में आपको पता हो बट ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ऐसा ना हो कि आप यही सोचते रह जाएं कि ये बहुत ही कम्प्लेक्स काम है तो कह रहे मैं तमाम चीज़ें लिस्ट करूं फिर नहीं अगर आपने कोई चीज़ मिस हो भी गई है या कोई चीज एक्स्ट्रा भी चली गई है यू कैन चेंज दैट ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो परमानेंटली फिक्स हो गई है इट कैन बी मॉडिफाइड अब ये वही अगर आप देखें तो आपके पास वही स्टेटमेंट है क्रिएट टेबल स्टूडेंट और प्लीज ऐसा मत कीजिएगा कि जैसे मैंने किया कि पहले एक दफा आप स्टूडेंट टेबल क्रिएट करें फिर दोबारा कहें क्रिएट टेबल स्टूडेंट और उसमें कॉन्सेंट्रेट कर दें नहीं इनमें से कोई एक करेंगे जाहिर है क्योंकि आप सेम नेम के साथ दो टेबल क्रिएट कर भी नहीं सकते यानी अगर आपने पहली दफा क्रिएट टेबल स्टूडेंट कह दिया हुआ है और दोबारा अगर आप ये स्टेटमेंट देंगे तो डीबीआई में सिल ऑब्जेक्ट इट वॉन्ट लेट यू इसलिए यानी सेम टेबल पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बट यू वुड डू वन ऑफ टाइम अब यहां हमने कह दिया स्टूडेंट आई डी कैक्टर फाइव और यहां हमने कह दिया कॉन्स्टेंट और आगे इसका नाम दे दिया एस टी अंडर स्कोर पी के और देखिए फिर यहाँ पे आप जो इनका केस है ये अपर केस है लोअर केस है इससे कन्फ्यूज मत होइएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट मैंने लिखा हुआ लोअर केस में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप सब कैपिटल में भी लिख देते इट विन करेक्ट एस टी पी के अब ये हमने एक कॉन्सटेंट को नाम दिया है इससे मैंने जैसे आपसे कहा था कि नेम शुड बी मीनिंगफुल तो इसको मैंने यू कर दिया है एस टी मीन्स स्टूडेंट और अंडरस्कोर को से जरिए मिला के कह दिया पी के मीन्स प्राइमरी की तो इससे जाहिर यह हो रहा है कि यह स्टूडेंट की प्राइमरी की का कांस्टेंट है और आगे उसका लिख दिया कि कौन सा कॉन्स्टेंट है जैसे हमने डिफरेंट ऑप्शन देखी थी यहां पर अब देखिए कि जहां तक बात है इस कॉन्स्टेंट को नाम देने की इसका फायदा क्या है इसका यूज क्या है एक बात ध्यान में रखिएगा कि हर कॉन्स्टेंट दैट विल बी इंक्लूडेड इन अ टेबल उसका नाम होगा अगर आप खुद से एक नाम उसका नहीं भी देते बिकॉज वी हैव स्टडीड के राइटिंग द कॉन्स्टेंट वर्ड एंड गिविंग द कॉन्स्टेंट नेम दीज आर ऑप्शनल थिंग्स तो अगर आप इनको मिस करेंगे इग्नोर करेंगे तो नाम तो फिर भी इस कॉन्स्टेंट का होगा बट इफ यू मिस दिट देन द नेम विल बी प्रोवाइडेड नेम विल बी गिवन बाय द डी बी एम एस इट सेल्फ उसकी अपनी एक स्कीम है उसके तहत उसको एक नाम मिल जाएगा अब सवाल ये पैदा होता है कि इस नाम देने का फायदा क्या है फ़ायदा उसका यह है कि यू कैन लेटर रेफर टू दिस कॉन्स्टेंट बाई नेम अगर आप कहते हैं कि फर्ज अगर आपने एक कॉन्स्टेंट को डिलीट करना है किसी कॉन्स्टेंट में कोई चेंज करनी है तो जब उसका नाम होगा उस नाम को रेफरेंस करके आप उसको मतलब कुछ भी कर सकते हैं अगर नाम नहीं होगा तो उसको रेफर करना मुश्किल होगा इसलिए नाम की लॉजिक ये है तो चाहे आप खुद से नाम दें चाहे आप डी बी एम एस का दिया नाम इस्तेमाल करें इट वॉन्ट मेक एनी डिफ्रेंस और यह है कि अगर डी बी एम एस ने नाम खुद भी लिख दिया हुआ है तब भी आपको वो नेम जो है वो एक्सेसिबल होगा आप उसको देख सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं ये आपका प्राइमरी की तक आपका एक जो कॉन्स्टेंट था वो अप्लाई हो चुका हुआ है कि ये प्राइमरी की है इसके बाद विदाउट गिविंग अ कॉमा एक स्पेस देने के बाद लेट सेट टू एड एन अदर कॉन्स्टेंट इन टू द सेम एट्रीब्यूट क्योंकि अब आप मैं आपसे कहा था ना कि वो जो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं उनमें से आप मल्टीपल ऑप्शन ले सकते हैं यहाँ पे हमने एक काम ये किया कि स्टूडेंट की को हमने डिक्लेयर कर दिया है एज प्राइमरी की ये पहली बात हो गई बल्कि इससे पहली बात ये है पहली बात यह कि हमने उसको नाम दिया है दूसरी बात यह कि हमने उसको डेटा टाइप दे दी है तीसरी बात यह कि हमने उसको प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया है और साथ ही उसको हमने एक नाम भी दे दिया है प्राइमरी की कॉन्स्टेंट को ये तो हो गई अभी तक की बातें यहां पे वी वॉन्ट टू अप्लाई एनदर कॉन्स्टेंट ऑन टू दैट और पर्पज क्या है पर्पज उसका यह है कि हमने उसकी जो डेटा टाइप है वो तो दे दी है कैरेक्टर फाइव अब इस डेटा टाइप के मुताबिक इसमें किसी भी तरह का जो कैरेक्टर डाटा है जिसकी लेंथ के फाइव तक है वो आ सकता है बट वी वॉन्ट टू कॉन्सट्रेट इट वी वॉन्ट टू रिस्ट्रिक्ट इट उसके लिए हमारे पास जो चेक कॉन्सटेंट है चेक की ऑप्शन वो इस्तेमाल करेंगे और चेक करता क्या है चेक बेसिकली उन वैल्यूज को चेक करेगा देखेगा उनको स्क्रोटनाइज करेगा कि जो आप उस एट्रीब्यूट के लिए देंगे किसी भी एट्रीब्यूट पे आप चेक लगा सकते हैं अब हमने क्या कहा है हमने कहा है कि एस टी आई डी यानी ये एट्रीब्यूट जो हम अभी डिफाइन भी कर रहे हैं उसको प्राइमरी की भी डिक्लेयर किया है एस टी आई डी लाइक अब लाइक like जो है वो एक रिजर्व वर्ड है रिजर्व वर्ड से हम ला है कि आपने इसको ऐसे ही लिखना है अगर इस्तेमाल करना है तो अगर इसको इस्तेमाल करना है तो आपने यही स्पेलिंग इसी प्लेस पर आपने इसको लिखना है तो लाइक like, ये हमने उसका फॉर्मेट दे दिया इस फॉर्मेट को अगर आप देखें तो इसको हमने लिखा हुआ है पहली बात तो है कि कोर्स पर लिखा कोर्स स्टार्ट किया पहले इस पर लिख दिया एस एस से मुरादी है कि आप एस टी आई डी के अंदर जो भी वैल्यू एंटर करेंगे उसका जो पहला करेक्टर है वो लाजमी तौर पर एस होना चाहिए हाउ डू वी डिफाइन दिस कॉन्स्टेंट ये हमने वेन वी डिस्कस द सिस्टम विद विद द ऑर्गेनाइजेशन द पीपल इन द सिस्टम उन्होंने कहा कि हम स्टूडेंट के जो आईडी है उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए उसको एस से स्टार्ट करते हैं नो यू वॉन्ट टू मेक श्योर कि जो भी वैल्यू एस टी आई डी के अंदर जाती है वो स्टार्ट होती है एस से तो आपने उसको कह दिया कि चेक और फिर आगे हमने क्लांस में कहा कि एस टी आई डी लाइक वो लाइक एक ऑपरेटर है कि इससे माता है कि वो इस तरह से हो क्यासे? कि पहले आपने दे दिया एस कि उसका पहला कैरेक्टर एस हो फिर आगे आप देखें कि आपने चार डिफरेंट ऑप्शन दे दी हैं यानी पहली ऑप्शन यानी एंगल ब्रैकेट्स में पहली ऑप्शन दूसरी ऑप्शन तीसरी चार इससे बता दिया कि इसके बाद एस के बाद हमारे पास चार कैरेक्टर्स होने चाहिए क्योंकि यहां पे चार डिफरेंट ऑप्शन दिए और हर ऑप्शन ये कह रही है कि जीरो डैश नाइन इससे बता दिया है कि आपका जो एक कैरेक्टर यहां पे आएगा वो जीरो से लेके डैश से बता दिया कंटिन्यूटी जीरो से लेके नौ तक यानी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इन दस डिजिट्स में से कोई सा एक आ सकता है इसी तरह दूसरी ऑप्शन में दूसरा जो तीसरा करेक्टर वो क्या है फिर अगेन ऑप्शन है जीरो से लेकर नाइन तक फिर जो चौथा करेक्टर वो क्या है जीरो से लेके नाइन तक और इस पांचवा इसका मतलब ये हुआ कि ऑल दो यू हैव स्पेसिफाइड द डेटा टाइप एज करेक्टर फाइव तो करेक्टर कह दिया उसमें किसी तरह का भी डेटा आ सकता है बट विद दिस चेक कंस्ट्रेंट आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि डाटा इसमें इस तरह का आएगा कि एस पहले और उसके बाद एक दो तीन चार डिजिट्री फोर एस जीरो पहला करैक्टर एस और उसके बाद कोई से चार डिजिट्स इसका आपको फायदा क्या है सी कंसिस्टेंसी यानी आपने अपने जो डाटा को कंट्रोल कर लिया है कि जो डाटा आपके डेटाबेस में जाएगा उसका फॉर्मेट क्या होगा अब एज फार एज द डाटा टाइप इज कंसर्न वो तो आपको ए बी सी डी ई एफ भी अलाउ करती है सिग्मा अल्फा बीटा ब्रावो ये तमाम दे आर लीगल कैरेक्टर डाटा और अगर पांच तक उनकी लेंथ है तो वो दिस इज हंड्रेड परसेंट एक्सेप्टेबल एज फार एज कैरेक्टर फाइव इज कंसर्न लेकिन वेन यू पोज दिस चेक तो ये एक फर्दर उसपे कॉन्स्टेंट लग गया है कि नहीं कैरेक्टर फाइव तो है लेकिन फर्दर वो इस तरह का होना चाहिए तो ये देखें कि इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि किस तरीके से आप डेटा बेस की जो डिफरेंट जो उसमें फील्ड हैं एटीट्यूट हैं उस पर कैसे चेक लगाते हैं ताकि उसमें लीगल डाटा लीगल विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द सिस्टम वो उस तरह का डाटा उसमें एंटर हो इसी तरह यहाँ पे देखिए कि जो आपके पास यहाँ पे कॉमा आ गया उसके बाद ना यानी जो चेक कॉन्स्टेंट जहाँ खत्म हुआ उसके बाद कॉमा आ गया इट मीन्स कि नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द नेक्स्ट एट्रीब्यूट फिर था स्टूडेंट नेम और स्पेस के बाद हमने कहा कैरेक्टर ट्वेंटी फाइव मीन्स के इसकी लेंथ ट्वेंटी फाइव होगी टाइप इसकी कैरेक्टर होगी और साथ हमने कह दिया है नॉट नल इससे बता है कि वन एवर यू एंटरिंग ए रिकॉर्ड ऑफ ए स्टूडेंट तो आपको नाम लाजमी तौर पर देना होगा

एड्रेस को टेक्स्ट कर दिया फिर स्टूडेंट फोन को हमने एक करैक्टर कर दिया और प्रोग्राम नेम को हमने करैक्टर फोर कर दिया और करंट सेमेस्टर को हमने स्मॉल एंड कर दिया और डिफॉल्ट वैल्यू इसको दे दी वन इससे हम रात ये होगा कि अगर हम जब डाटा एंटर कर रहे हैं और उसमें अगर हम करंट सेमेस्टर की वैल्यू एंटर नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू वन कंसिडर होगी तो अगर आपने एक्सप्लिसिटली वैल्यू एंटर कर दी है नट से यू वॉन्ट टू एंटर वन इवन तो आप वन एंटर कर देंगे दैट विल बी एक्सेप्टेड फाइन बट इन द केस ऑफ वन वैल्यू यू कैन इग्नोर एंटरिंग द वैल्यू यू जस्ट लीव दैट कॉलम ब्लैंक और डी बी एम एस विल ऑटोमेटिकली प्लेस वन देयर हाउवर इफ यू वॉन्ट टू प्लेस मदर वैल्यू लाइक टू थ्री फोर एनी थिंग एल्स तो उस केस में यू विल हैव टू प्लेस इट डेफिनेटली है उस केस में तो आपको प्लेस करनी पड़ेगी आप उस केस पर इग्नोर नहीं कर सकते तो डिफॉल्ट का आपको फायदा यही होता है कि आप जिस जो वैल्यू ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अकर करती है रिकॉर्ड्स के अंदर उसको डिफॉल्ट डिक्लेयर करके एडवांटेज होगा कि डाटा एंटर करते हुए आपको लिटरली या प्रैक्टिकली आपको उसकी वैल्यू एंटर करने की जरूरत नहीं है आप उसको स्किप भी कर देंगे तो वो वैल्यू वहाँ पर आ जाएगी इसके बाद तो द फाइनल एट्रीब्यूट इज सी जी पी ए और इसको हमने रियल डिक्लेयर कर दिया है तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द टेबल स्टूडेंट दैट वी हैव क्रिएटेड और वी हैव क्रिएटेड इट विद कॉन्स्टेंट्स आइए आगे, आगे देखते हैं सी यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम हमने जब आ, उसका क्रिएट टेबल का फॉर्मेट देखा था वी सेड दैट कॉन्स्ट्रेंट एंड द नेम ऑफ द कॉन्स्टेंट दे आर ऑप्शनल जैसे मिसाल के तौर पे हमने पिछली uh, जो स्लाइड थी इस इसमें हमने स्टूडेंट आई को डिक्लेयर किया था एज प्राइमरी की एंड वी सेट कॉन्स्ट्रेंट एस टी पी के प्राइमरी की तो अगर हम ये चाहें कि जो इसके ऑप्शनल पार्ट हैं यानी कॉन्स्टेंट और एस टी पी के यानी कॉन्स्टेंट वर्ड एज सच और इस कॉन्स्टेंट का नाम इन दोनों को अगर स्किप करना चाहते हैं तो वो इस तरह भी दे सकते हैं कि लाइक दैट स्टूडेंट आई डी नेम ऑफ द एट्रीब्यूट क्रैक्टर फाइव द डाटा टाइप एंड प्राइमरी की सिंपल अब उसमें देखिए आपने वो जो दोनों चीजें थी कॉन्स्टेंट वर्ड एज सच और द कॉन्सटेंट नेम आपने दोनों स्किप कर दी तो ये भी ठीक है इसमें इट विल ऑल्सो वर्क एक और एग्जाम्पल क्रिएट टेबल की जिसमें कि हम कॉन्स्टेंट अप्लाई करें और माइंडेड मैं आपको दोबारा आपसे ये कह रहा हूँ कि आप बार बार वो जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ स्टूडेंट टेबल तो आपने बार बार नहीं करना आप एक ही दफ़ा करेंगे लेकिन मैं जो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो स्टूडेंट टेबल के ऊपर ही दे रहा हूँ ये देखिए इस दफा तो हमने क्या किया उसको हमने कर दिया स्टूडेंट आई डी करेक्टर फाइव और सिंपल प्राइमरी की उसके बाद फिर वही चेक स्पेस दे के आप फिर वही वर्ड लिखें चेक और वही जो हमने पहले चेक दिया था यहाँ पे स्टूडेंट लाइक -like और वो जैसे हमने पूरा लिख दिया इसको नॉट नल कर दिया इसको ट्वेंटी तो फाइव ये पहले की तरह से ये भी पहले की तरह से ये भी पहले की तरह से प्रोग्राम नेम पहले की तरह से उसके बाद है करंट सेमेस्टर और पहले इसको हमने किया हुआ था स्मॉल एंड इस दफा इसको कर दिया टाइनेट रीजन वही है बिकॉज करंट सेमेस्टर कैन मैक्सिमम टेक वैल्यू अप टू लेट्स से ट्वेल्व और एट और लाइक दैट उसको अगर हम करते हैं स्मॉल एंड तो वो इसको हम नस्बता ने ज़्यादा जगह दे रहे हैं तो वी आर सॉर्ट ऑफ वेस्टिंग आवर स्टोरेज इसलिए इसको मैंने यहाँ पे टाइन इन कर दिया हुआ और इसको आपने अंडरलाइन नहीं करना ये अंडरलाइन मैंने सिर्फ इसलिए किया हुआ कि आप देखें कि ये चेंज हो गई है फिर इसमें सी जी पी ए रियल जैसे हमने पहले किया था अब एक और टेबल यहाँ पर देखिए कि क्रिएट टेबल सेमेस्टर इस दफ़ा और सेमेस्टर का पर्पज़ यही है कि सेमेस्टर टेबल जो आप एक दफ़ा सेमेस्टर लॉन्च करते हैं तो उसके बारे में डेटा स्टोर करता है मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जैसे कि समर ज़ीरो फोर समर जीरो फोर से बना दिया कि ये कब स्टार्ट होगा कब एंड होगा तो ये जो डाटा है ये दैट वी स्टोर इन द सेमेस्टर टेबल इसमें देखिए सेमेस्टर नेम कैरेक्टर फाइव प्राइमरी की फाइन इसी तरह स्टार्ट डेट स्मॉल डेट टाइम इसी तरह एंड डेट स्मॉल डेट टाइम यहाँ पर आप देखिए कि हमने जो एक कॉन्स्टेंट इसमें ऐड किया है अब ये कॉन्स्टेंट जो है दिस इज नॉट एन एट्रीब्यूट कॉन्स्टेंट दिस इज ए टेबल कॉन्स्टेंट यानी एट्रीब्यूट कॉन्स्टेंट और टेबल कॉन्स्टेंट में फर्क यह है कि एट्रीब्यूट कॉन्स्टेंट जो है वो एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के ऊपर कि उसकी वैली के ऊपर लगता है लेकिन टेबल कॉन्स्टेंट जो है पूरे टेबल पर या वो मल्टीपल एट्रीब्यूट उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं मिसाल के तौर पर जैसे ये हमारे पास एक कॉन्स्टेंट है हम इस कॉन्स्टेंट का पर्पज़ यह है कि हमारा जो एक सेमेस्टर का रिकॉर्ड है उसका पर्पज़ यह है कि सेमेस्टर का नेम स्टोर करें और उस सेमेस्टर की स्टार्ट डेट और सेमेस्टर की जो एंड डेट है वो स्टोर करें अब हमारे जो रियल लाइफ सिस्टम है जो हमारे किसी भी जगह पे जब सेमेस्टर सिस्टम हमारा रन करता है तो नॉर्मली आपका सेमेस्टर जो है वो 14 वीक से ले कर फिफ्टीन सिक्सटीन या 17 मैक्सिमम 18 वीक्स तक आपका सेमेस्टर जाता है अब एक लिहाज से ये चीज़ कंट्रोल करने के लिए कि द पर्सन एंट्रिंग द डाटा वो ऐसी डेट सेंटर ना कर दे कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मिसाल के तौर पे वो देखें गलती तो हो सकती है किसी भी वक्त मिसाल के तौर पे वो सेमेस्टर को ऐसा उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट यूं डिक्लेयर कर दे यूं एंटर हो जाए कि वो सेमेस्टर आपको दो हफ्ते का लगे कि जैसे दो हफ्ते का सेमेस्टर था यानी जो डेट्स का डिफरेंस है वो सिर्फ दो हफ़्ते का था या फर्ज करें वो ऐसा कर दे कि जैसे एक सेमेस्टर जो है वो कई सालों का हो गया यानी अगर हमने ये कहाना था कि वो जनवरी में स्टार्ट हुआ जनवरी लट्स जीरो फोर में और वो खत्म हुआ लट्स मे जीरो फाइव में अब गलती से इसमें मे की जगह फर्श कर हो गया कोई बंदा उस पर अगस्त कर दे या उसमें सेप्टेंबर uh, कर दे या उसमें मे तो एंटर कर दिया बट रदर देन एंटरिंग मे जीरो फोर ही और शी एंटर्स मे जीरो सिक्स उससे क्या होगा कि आपका एक सेमेस्टर जो है बजाय पांच महीनों के वो ढाई सालों का हो गया तो अगेन दिस इज समथिंग दैट मेक्स द डाटा बेस इन करेक्ट कि आपका एक सेमेस्टर जो आपकी रियल लाइफ जो रियल लाइफ सिस्टम है उसमें आपका एक सेमेस्टर जो है वो इतना लंबा नहीं हो सकता लेकिन जब आपका डाटा बेस में एक आपका सेमेस्टर रिप्रेजेंट हो रहा है उसकी लेंच जब वो इतनी छोटी या इतनी बड़ी रिप्रेजेंट हो रही है तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए इस पॉसिबल एर को पकड़ने के लिए और माइंडेड नो वन विल आस्क यू कि आप इस तरह का कॉन्सेंट्रेट ऐड करो दिस इज योर ओन थिंकिंग आप खुद सोचेंगे कि भाई ये गलती तो हो सकती है रिटर्न एंट्री करते हुए तो वाई नॉट टू चेक इट तो उसके तहत यू हैव एडिड ए हियर जो इस चीज को make sure करता है कि आपका जो जो डेट सेंटर हो रही हैं उन डेट्स का जो डिफरेंस है वो चौदह से उन्नीस हफ्तों तक होना चाहिए मैक्सिमम जब अगर वो इससे कम होगा तो भी आपका डीबीएमएस जो है वो ऑब्जेक्ट करेगा और अगर इससे ज्यादा हो गया तो भी वो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा कि बिकॉज दिस इज नॉट ए लीगल वैल्यू तो यहां पर आपके सामने स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है इस वक्त यहां पे हमने उस कॉन्स्टेंट को इंपोज किया हुआ है लेकिन एक और बात का ध्यान रखिएगा फीचर्स ऑफ द सीक्वल सर्वर क्योंकि इसके अंदर हमने एक खास फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है जिसका नाम है डेट डिफ डेट डिफ मरा दिया है कि वो आपको दो डेट्स के दरमियान डिफरेंस देता है और देगा क्या चाहे तो आप दो डेट्स का डिफरेंस वीक्स में ले लें चाहे तो दिनों में ले लें चाहे तो सालों में ले लें चाहे तो महीनों में ले लें तो वो जो डेट डिफ है ये एक फंक्शन है जो कि सीक्वल सर्वर आपको प्रोवाइड करता है और इसका जो फॉर्मेट है वो यहां पे आपके सामने जैसा इस्तेमाल हुआ हुआ है वो यही है कि डेट डिफ ये फंक्शन का नाम है उसके बाद वीक कि आपने वीक्स देने हैं उसमें है स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट यानी जो आपको डेट डिफ फंक्शन है वो स्टार्ट डेट और एंड डेट के दरमियान जो वीक्स हैं वो आपको वापस कर देगा यानी अगर आपने जनवरी की एक डेट दे दी जो कि स्टार्ट डेट है और फिर आपने फर्ज करें कि अप्रैल की एक डेट दे दी जो कि आपकी एंड डेट है तो जो डेट डिफ फंक्शन है ये आपको इन दो डेट्स के दरमियान कितने हफ्ते हैं वो आपको एक नंबर वापस करेगा आपने आगे चेक लगाया हुआ है कि बिटवीन 14 एंड इससे मुराद यह है कि जो आपके पास दो डेट्स के दरमियान हफ्ते हैं उसकी वैल्यू 14 और 19 के दरमियान होनी चाहिए देखें अगेन कितनी खूबसूरत बात है कि आपने उस टेबल की डेफिनेशन के अंदर एक चेक ऐड कर दिया है जिसके जरिए वो जो आपका डाटा एंटर हो रहा है आपके डाटा के अंदर उसके वैलिडिटी के ऊपर आपने कंट्रोल कर लिया आपने उस पर चेक लगा दिया इसलिए आपने जो गलती का इम्कान है उसके इफेक्ट को भी आपने रिड्यूस कर दिया अब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी दो डेट्स ऐसी एंटर हो जाएं कि वो यानी उसमें आ, जो है वो बहुत छोटी हो जाए बहुत बड़ी हो जाए और इंटरेस्टिंग इसमें एक और मजे की बात यह है कि इसमें आपने एक और गलती भी कवर कर ली है वो क्या है कि गलती से आप जो आपकी स्टार्टिंग डेट है वो बाद की दे दें और एंडिंग डेट पहले की दे दें मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि सेमेस्टर स्टार्ट हुआ जनवरी जीरो फोर में खत्म हुआ होना था फर्ज करें मे जीरो फोर में लेकिन गलती से उन्होंने कर दिया मे जीरो थ्री में अब इसमें क्या हो रहा है कि आपने वो जो उसकी एंड डेट थी उसको स्टार्ट डेट से छोटा कर दिया जो छोटा कर दिया तो ये जो चेक कॉन्स्टेंट यहां पर अप्लाई हुआ हुआ है ये उस चीज को भी कंट्रोल करेगा और आपकी जो क्योंकि डिफरेंस जो है इसकी रिक्वायरमेंट ये कि वो फोर्टीन और नाइनटीन के दरमियान होना चाहिए तो जब अगर आपकी एंड डेट छोटी होगी तो डिफरेंस इनके दरमियान नहीं होगा तो ये चेक भी आपका आ, ये आपकी जो वैल्यू एंटर नहीं होगी डी बी एम एस जब उस पर एर रेस कर देगा डियर स्टूडेंट्स ना वट इज टाइम टू कंक्लूड आवर लेक्चर नंबर ट्वेंटी सिक्स इन टूडेज लेक्चर वी हैव स्टार्टेड द डी डी एल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज पार्ट ऑफ एस क्यू एल इसमें वो स्टेटमेंट्स हैं जिनके जरिए कि हम डाटा के स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं और उसमें मुख्तु चेंजेस वगैरह करते हैं इस वक्त तक जो तो हमने कमांड अभी तक पढ़ी है वो है क्रिएट कमांड और क्रिएट कमांड के जरिए से वी हैव क्रिएटेड द डाटा बेस एंड ऑल्सो द टेबल्स व्हेन क्रिएटिंग टेबल्स द क्रिएट कमांड इज़ यूज टू क्रिएट टेबल टू डिफाइन द एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल

क्रिएट कमांड डी की बाकी कमांड और बाकी की एस क्यू एल हम इनशाला आइंदा के लेक्चर में पढ़ेंगे अब मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़